मैं जाहिद बशीर आप दोस्तों को अपने YouTube चैनल तमूर इलेक्ट्रॉनिक पर खुश आमदेद कहता हूँ और देखने सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपसे दो पॉइंट पर बात करूँगा, नंबर एक सीरीज लैंप और नंबर दो पैरालल लैंप, और इनके सीरीज और पैरालल के मकासद क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों ये जो आपकी खिदमत में मैं वीडियो पेश करने जा रहा हूँ ये उन दोस्तों के लिए है जो अभी नए आए हैं, इतना तजर्बा नहीं रखते इलेक्ट्रिशियन की फील्ड में या रेफ्रिजरेशन की फील्ड में, ये उन दोस्तों के लिए ये वीडियो है। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्हें शायद इस बात का इल्म हो कि ये जो मैं वीडियो में पेश करने जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, और बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हूँ जिन्हें शायद पता ना भी हो। तो दोस्तों इस पैरेलल सीरीज सर्किट का मतलब ये है कि आप कहीं किसी के घर जाते हैं, एक ट्यूब या एक लैंप नहीं जलता तो आप उसको टेस्ट कर सकें इस लैंप के साथ, और अगर कोई मोटर चेक करनी है वो आप इसी एक ही लैंप के साथ आप उस मोटर को सीरीज़ में भी टेस्ट कर सकें, या कोई पंखा वगैरह है आप उसे भी टेस्ट करें। तो आओ दोस्तों आप चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके लिए आपको एक अदद, जैसा कि आप ये बल्ब देख रहे हैं, एक होल्डर आपको चाहिए और एक आपको मेल और फीमेल ये आपको चाहिए, और इसके बाद ये एक आपको केबल चाहिए। केबल जो है दोस्तों आपने ज़रूरत के तहत आप छोटी या बड़ी जितनी आपको चाहिए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने तो 200 वाट का बल्ब लगाया हुआ है तो आप अपनी ज़रूरत के तहत जितने वाट का चाहें, 100 वाट का लगाएं, 60 वाट का लगाएं, या 200 वाट का लगाएं, या 40 वाट, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आप जिस चीज़ को चेक करना चाहते हैं उसी के हिसाब से जो बल्ब लगाना पड़ता है। तो अब दोस्तों जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो दोस्तों ये है कि ये एक केबल है, टू कोर केबल, ये आपने लेनी है, और एक आपने ये जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ एक बल्ब होना चाहिए, एक होल्डर होना चाहिए। मैंने कोशिश की है कि कुछ टाइम आपका बचा सकूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना होए, इसलिए मैं आप दोस्तों के लिए ये जो है ना वो कुछ ओपन करके रखा हुआ है आसमान के कुछ ना कुछ टाइम बच सके। तो दोस्तों जो दोस्त समझते हैं वो वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। आपने दोस्तों इस तरह करना है, ये जो कैप है एक दोस्तों आपने इस तरह का पीस ले लेना है, ये पीस आपने इसके एक टर्मिनल पर लगाना है, बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल पर आपने लगा देना है इस तरह। ये दोस्तों आपने एक जो है वायर, एक तार आपने ये लगा ली है। अब आपने क्या करना है कि ये वाली जो कैप है इसमें से आपने दो में से एक तार को आपने यहाँ से इस कैप से गुजार देना है, और दूसरी को आपने जो आपने पहले इसके साथ लगा रखी है आपने इसे
गुजार कर इस तरह बाहर ले आना है। और दोस्तों ये जो आप बल्ब का टर्मिनल ये पॉइंट देख रहे हैं, आपने इसमें इसे टाइट कर देना है। ये दोस्तों आपने इस तरह दोनों तारे लगा लेनी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोस्तों ये कैप जो है इसे आपने टाइट कर देना है। अब दोस्तों आप ये समझ लें कि ये हमारी एक ही तार थी, जैसे बल्ब को दो तारें दी जाती हैं, ये आप समझ लें कि हमारी एक ही तार थी। दोनों तारें आपने लगा दी हैं इसमें, तो आप इनमें दोनों में से कोई एक जो है यहाँ से कट कर लें। यहाँ से आप कट करके इन्हें दो टुकड़ों में कर लें, जैसे अब दोस्तों ये बन चुकी हैं। अगर आप इसे यहाँ पे जो है ज्वाइंट कर दें इस तरह, तो आप ये समझे ये ज्वाइंट नहीं, आपने यहाँ से प्लास की मदद से इसे काट लेना है। जैसे ये काट लिया है तो अब जो है दोस्तों ये आपने काम कर लिया, यहाँ तक आपका काम हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये दो पिन प्लग जो है इसे आपने लेना है। ये दोस्तों दो पिन प्लग जो है इस तरह दोस्तों आपने ये जो तारे हैं ये आपने टाइट कर लेनी है इन पिनों में। अब जो है आपने इसे बंद करना है। जो तो सीखने का शौक़ रखते हैं उनके लिए तो ये वीडियो जो है बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, तो जो नहीं रखते वो अदराज जो हैं वो बोर हो रहे होंगे। तो मैंने पहले ही दरख्वास्त की थी कि अगर आप जानते हैं तो आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं वीडियो को छोड़कर। तो ज़ाहिर है अगर कुछ सीखना है तो वीडियो लंबी बनाना पड़ती है। अगर जो नहीं सीखना तो ना सॉरी अगर आपने सीखना है तो वीडियो लंबी देखना पड़ती है, अगर कुछ सिखाना है तो लंबी वीडियो बनाना पड़ती है। तो दोस्तों अब मैं जो है ना ये सीरीज लैंप जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये दोस्तों देख लें, ये सीरीज लैंप जो है ये देखें, ये सीरीज लैंप जो है ये तैयार हो चुका है। अब जो है हमने क्या करना है कि अब ये तो तैयार है, अब हमने क्या करना है कि अगर कोई सीलिंग रोल है उसमें देखना है कि 220 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं, उसके लिए क्या करना है। उसके लिए दोस्तों आपको ये जो है एक फीमेल की ज़रूरत पड़ेगी।
ये आपने एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, इस तरह का आपने टुकड़ा लेना है। और आपने क्या करना है, इस टुकड़े को यहाँ जम्पर लगाकर इस तरह जैसे मैं कर रहा हूँ, आपने ये लूप डालकर आपने इसे टाइट कर देना है। और अब दोस्तों इसे टाइट करने के बाद आपने इसे बंद कर लेना है। दोस्तों अब जो है ये आपका जो फीमेल है, आपने इसे इस पर इस तरह लगा देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपने फ़र्ज़ करें ये साकड़ चेक करनी है, तो आप इसको इस तरह चेक कर लेंगे कि इसमें 220 आ रहे हैं या नहीं, ये देख लें दोस्तों। ये आपका एक ही लैंप ये पैरालल में भी बन गया, आपको बताएगा ये टेस्ट लैंप के तौर पे भी काम करेगा और सीरीज़ के तौर पे भी। अब आपने क्या करना है, इसे फीमेल को उतारना है, आपने सीरीज पे काम लेना है, कोई पंखा वगैरह चेक करना है, कोई पंखा वगैरह आपने चेक करना है, तो आपने जो है इस फीमेल को उतार लेना है। फीमेल को उतारने के बाद आप दोस्तों ने कोई भी चीज़ चेक करनी हो, कोई भी चीज़ चेक करनी हो, तो आप दोस्त ये दोस्तों देखें, ये सीरीज आपका तैयार है, ये सीरीज लैंप आपका तैयार है। तो इसी के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, मेरा और आप साहब का अल्लाह ताला हम यू नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।